भाई, ओ भाई यार, ये तो भाई बड़ी फिल्म है। तो हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं एसएचओपी के व्लॉग। गाइस, बहुत दिन हो गए घर से बाहर नहीं गए। आज ना बहुत ज्यादा धमाकेदार वाला सीन होने वाला है। आज ना मैं तुम्हें बारूद से मिलवाने वाला हूँ। वो वाला बारूद नहीं जो हम दिवाली में पटकाओगे, और ना वो वाला बारूद जिससे हम किसी को भी पटका देंगे। मतलब कि एक डॉग है जिसका नाम बारूद है, और बारूद ना भाई बारूद की तरह काम करा है। स्टार्टिंग में देखने में ये तुम्हें अल्फा के जैसा लगेगा, लेकिन ये अल्फा के जैसा नहीं है और इसका नाम बारूद है। लेकिन भाई बारूद ना कुछ अभी आतंकवादी हमले करने वाला है। जैसे कि इसका नाम है ना, ऐसे ही इसके काम है। अभी थोड़ी देर में इसके कारनामे दिखाने वाला हूँ। मैक्सिमम कितनी जंप मानते होंगे डॉग, कितने ऊंचे उछल सके? जितना कि ये है ना, इतना तो उछल जाएगा। देखते हैं भाई, ये इतना ऊंचे उछल जाएगा क्या? मतलब कि ये वाली बात सोचने की है। अगर यार इतने ऊंचे तो उछल गया तो मतलब सिस्टम महंगी है। और गाइस, मेरा प्लान भी बनना है कि मैं ना इसको घर लेके चलूं, मतलब कि ये मेरे पास ही रहेगा। लेकिन हाँ भाई, अगर बात बनी ना तो मैं पक्का ले हुआ चलूंगा इसको। गाइस, जल्दी मैं एक ऐसा सेटअप करने वाला हूँ जहाँ पे मैं इसको भी रख लूंगा, अल्फा को भी, खबीसी को भी, सबको मतलब अपने पास ही रख लूंगा। भाई मेरे को लग रहा कि ये ना सिस्टम फाड़ सके। जब ये ग्रिप लगा ना तो भाई एग्रेशन बहुत ज्यादा, एग्रेसिव मूड में आ जाए, बहुत तगड़ा। गाइस, जब ये ग्रिप वगैरह लगा हुआ है तो ये पागल सा हो जाए। मेरे हाथ में चेक करो, ट्यूब भी आ गया, टायर भी आ गया, क्योंकि ट्यूब और टायर को देखते ना पूरा पागल हो जावे। अब भाग के मेरे ऊपर अटैक ना करता, खुल गया यू। ओए ओए बारूद, ये डर ये लग रहा कि हाथ ना पकड़ ले। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई यार, ये तो सब अटैक ना कर रहा है, अटैक तो नहीं कर रहा है। ओ भाई साहब, तेरी, ओ भाई यार, ये तो भाई बड़ी फिल्म है। ओ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पकड़ इसे, पकड़। ओ भाई यार, गलत सीन कर दिया इसने तो। ये तो मेरा सिस्टम हैंग कर देता है। लग रहा था कि मेरे ऊपर अटैक करना। बट एक बात हो रहा है, इसकी टायर और ट्यूब नीचे रखे ना, अब नहीं एग्रेशन करने का, उठाते पागल हो जाएगा। मैं नहीं उठा रहा, मेरे हाथ पे भी लगा देती इसने ग्रिप। इसने सोचा कि मेरे हाथ में भी कुछ बच गया अभी, जबकि ट्यूब छोड़ दी थी मैंने। आज मैं तो ग्रिप लगवा नहीं रहा भाई, ग्रिप लगवाओ। चल भाई स्टार्ट। ओहो भाई, ये पकड़ ली। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई जी देख लो कितनी तगड़ी ग्रिप लगा दी इसने, चारों तरफ घूम गया। ओ भाई साहब, ओबे वो पागल हो गया यार ये तो पूरा। गाइस, भाई को टू पकड़ा दी, अब देखते हैं भाई इसे पीछे से छोड़ के। और इसकी हाइट कम से कम होगी लगभग जमीन से होगी 5 फुट, लेकिन इसे हम कर देंगे अभी 6 फुट पे। तो गाइस, अब लगभग 6 फुट पे करीब हाइट होगी इसकी। अब देखते हैं भाई ये पकड़ लेगा कि टू। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ ओह पकड़ ली भाई। गाइस, ये लगभग 6 फुट के करीब उछल गया। अब ना एक काम करना पड़ेगा, इसकी हाइट ना थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ये पता लग जाए कि और कितना ऊंचा उछल सके। जबकि बार भाई को यहाँ खड़ा कर देंगे, और तब देखते हैं भाई ये इतने ऊंचे उछल के टू को पकड़ लगा क्या। मतलब कि हाइट कितनी हो जाएगी ये, लगभग मान लो तुम 2.5 फुट का, 2.5 फुट का तो होगा। और अभी टू होगी ये, और इसकी हाइट होगी लगभग 6 फुट, और 6 फुट, ओए 6 फुट और ज्यादा हो गया। तब देखते हैं भाई ये उछल कर पकड़ लगेगा। और ये देख लो लगभग इसकी हाइट होगी, होगी करीबन कितनी होगी, होगी अब 2.5 फुट नीचे है, और 6 फुट, और थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर कर। चल भाई चल। ओहो भाई, पहले ही उछल गया। ओ भाई बच गया। ओ भाई, इसे पीछे से छोड़ना पड़ेगा, तब ज्यादा पावर लगा हुआ है। थोड़ा और पीछे से छोड़, थोड़ा और पीछे से। ओ भाई, भाई ये देख लो ग्रिप लगा हुआ कैसा, हवा में लटक जा। वैसे ज्यादातर पिटबुल ऐसी ग्रिप लगा हुआ है भाई। अगर एल्फो को भी मैंने ग्रिप लगाना सिखा दिया ना, मतलब इतनी तगड़े वाली, तो भाई वो फिर थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा। वैसे वैसे ये भी पूरा एग्रेसिव है, इसीलिए भाई ग्रिप लगाने से ये हो जा कि वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सके। जैसे कि इसने मेरे हाथ पे अटैक कर दिया होता, और अब एल्फो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। ये देख लो ट्यूब को कैसे घूम गया, ये भी टायर को पेड़ पे लटका दिया। और इसकी ना थोड़ी सी ग्रिप लगवा के देख रहे, ये चेक कर रहे कि ये नीचे खड़ा खड़ा उछल गया, ग्रिप पकड़ लगा क्या पिछली तरफ। ये देख लो भाई, उधर व्हाइट कलर का पिटबुल डॉग है, और प्योर व्हाइट है, बस इसका नाक काला, बाकी सारी जगह था ही थोड़ा तो प्रॉपर बांध दिया ऊपर की साइड। मैं इसका हाथ नहीं लगाता भाई, ए ला भाई, ये पकड़ ली ग्रिप। और गाइस, जब इस ग्रिप पे लटका ही रहेगा जब तक कि पीछे हट जा, तब तक ये लटका ही रहेगा बस। ओ भाई, फाइनली इसकी ग्रिप छुड़वा दी। अब ये देख लो पूरा मुंह काला हो गया, अंदर से मुंह काला हो गया इसका। गाइस, अभी कोशिश करता हूँ इसके सर पर हाथ फेरने की, बट भाई डर लग रहा कि अटैक ना करता। वाह, अटैक वटैक ना कर, ये वैसे तो देखने में पूरा फ्रेंडली लग रहा, बट भाई क्या पता। ओए ओए तेरी, मैं ना लगा था। इसकी दोस्ती इसके साथ बढ़िया वाली है, दोनों एक साथ ही घूमे। ज्यादातर जो फीमेल हो ना वो फ्रेंडली हो गया, मतलब कि वो ज्यादा खुरापात नहीं होती। बट भाई जो अपने घर में खबीसी है वो कुछ ज्यादा ही खुरापात है, उसके दिमाग में तो हर टाइम लड़ाई झगड़ा है। जैसे कि इसकी ग्रीप वगैरह लगवा रहे थे ना, इसकी जगह वो होती तो इतनी पागल हो जाती, भाग भाग के इसके ही काट लेती। ये तो भाई अपना मस्त मोला है, ये किसी के साथ कोई पंगे नहीं लेता, बस नॉर्मली फ्रेंडली है बिल्कुल। वैसे पिटबुल डॉग को भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनाया जा सके, दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है। एक किसी दूसरे की तरफ कुछ आ रहा ना तो दूसरा भी पूरा पागल हो रहा। सामने ही बैठा, सामने ही बैठा इनका दुश्मन खेत में, बट ये भी बेफिक्र होगा बैठा, इसे भी कोई डर नहीं है।
बोला बंद कर जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लेंगे मेरा गाइस। अभी तुम्हें पिस्टल से भी मिलवाऊंगे, मतलब कि यहाँ पे जो डॉग है ना वो सारे के सारे भाई असले वाले हैं, मतलब कि उनके नाम ना खतरनाक है, पिस्टल, माउजर, कट्टा, बारूद, गोली, बंदूक, बुलेट। तो देख लो कैसे एग्रेसिव हो रहे उसकी तरफ को, और वो भी भाई पूरा कंप्यूटर है, इनके पीछे यार लग रहा देसी डॉग तो कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर है, इनके घर के सामने चला गया भाई। जिसे देख लो भाई, ये घर के सामने यहाँ खड़ा हो गया। अभी पिस्टल भी बाहर निकल के आ गई, अपने कवर में से बाहर निकल के आ गई। ये ना एक दो घंटे में बच्चे देने वाली, मतलब कि लग नहीं रहा होगा तुम इसका शरीर देख के बच्चे देने वाली, बट एक दो घंटे के अंदर ये बच्चा देने वाली, तो लग रही इसकी कंडीशन की ये बच्चा देगी, मतलब की पिस्टल ना गोली देने वाली। क्यूट से पप्पी से भी मिलवाता हूँ, ये देख लो भाई अमेरिकन बुल्ली है, और ये देखो भाई इसका कलर देख लो तुम कितना प्यारा है, बिल्कुल चॉकलेट कलर है। भी डरी हुई है और इसे ना घर से बाहर लेके आ गई, आज फर्स्ट टाइम है इसका घर से बाहर आने का। गाइस अगर किसी को चाहती हो तो भाई कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। गाइस अभी सामने से देखो भाई कितना खतरनाक वाला पिटबुल आ गया, और ये वुड आइज में है। ओ भाई साहब पूरा फुल फ्रेंडली है भाई, मैंने मतलब सूंघ भी आओगी इसे पिल्लों की। ओ भाई यार, ओ भाई भाई डर लग रहा है यार, ओ भाई ज्यादा देर होगी मेरे पास, तो चल गया गया गया। पूरा फुल फ्रेंडली है, गले में पट्टा भी नहीं है, और जिस डॉग के गले में पट्टा नहीं मिलने का ना ये समझ जियो भाई, मतलब 99% फ्रेंडली है वो। डॉग की एक हिस्ट्री है, जब ये मिला था ना, मतलब कि ये कहीं मिला था इन्हें भाई यार को, और इसका ना भाई 300-400 कीड़े पड़े हुए थे, और उसके बाद अब देख लो भाई इसकी हालत कैसी हो रही, बिल्कुल ओके हो रहा, और किसी के साथ पंगा लेने में एक मिनट भी नहीं करता। वैसे गली में देख लो भाई एक भी डॉग नहीं है, जो फीमेल है वो तो घूम सके इस गली में, बाकी कोई डॉग वगैरह नहीं घूम सकता गली में, सबका आना जाना नॉर्मल है, किसी को कुछ नहीं कहता। ये देख लो भाई कोई भी आओ कोई भी जाओ सब इसकी तरफ को देख के जावे, बट ये किसी को काटता नहीं, और ये पिटबुल ही है। अब ये तो मेरे पास ही आके खड़ा हो गया। गाइस डॉग को बस प्यार चाह और कुछ नहीं चाहता, अगर डॉग को प्यार करोगे ना तो ऐसे ही फ्रेंडली हो जा बिल्कुल। गाइस ग्रिप के मामले में भी पूरा तकड़ा है, जैसे कि वैसे तकड़ा है ना, ये देख लो ग्रिप भी कैसे लगा रहा। गाइस अभी घर जाने से पहले लास्ट में आया, दो अमेरिकन बुल्ली है, दोनों की दोनों फीमेल है। एक खास बात है, ये ना भाई भूरे की बाण है, मतलब जो अपने पास भूरा है ना फ्रेंडली है भाई पूरी। और गाइस एक इधर की साइड में भी है, हाँ भाई तेरा क्या नाम है? जिसका नाम गोल्डी है। गाइस भूरे की बाण का नाम ग्रेसी है, किसी दिन भूरे को भी मिलवाओगे इससे, भूरे को मिलवा के देखेंगे क्या रिएक्शन होगा, पहचानेगा क्या अपनी बाण को। गाइस एक क्यूट सा पप्पी और आ गया, क्या नाम है? जिसका नाम ट्रिक्सी है यार, ट्रिक्सी गोल्डी ग्रिक्सी। भूरे की बाण में एक खास बात है, जैसे भूरे की पूंछ है ना सेम टू सेम इसकी भी पूंछ ऐसी है, ये देख लो कैसी मुड़ी हुई सी पूंछ है। गाइस अभी मार्केट में आ गया था, अच्छा की बर्फी के लिए दवाई वगैरह भी ले लूंगा, और साथ में अभी हनुमान टीले भी जा रहे हैं, और दवाई भी लेके घर चले जाएंगे। वैसे मैं लेट हो गया काफी, सारे डॉग्स को घुमाना भी घर जाके यार, रोकी को पता नहीं कि मैं हूँ। और ये देख लो भाई मेरी आवाज सुन ली रोकी ने, लेकिन आवाज सुनते कैसा हो गया, और ये ना बाहर आया हुआ था घूमने के लिए, रोकी पहचान लिया। ओए ओए हाँ भाई कैसा है? आज भी एक देसी डॉग अपने आप ही आ गया एकदम, वाकई भाई रुक जा रोकी रुक जा भाई, अब रुक जा रहा रुक जा चला गया भाई। रोगी इधर बिल्कुल आराम से खड़ा था, और एकदम भाग पड़ा उसके पीछे, उसका पता ही नहीं लगा वो कैसे आया इसके सामने आकर खड़ा हो गया एकदम। अब भी उसे ढूंढ रहा, और गाइस रास्ते में आज इसे मिल गया भाई सामने राजा, गली का राजा। ये देख लो भाई रोगी की आदत है भागता नहीं। ओ भाई भाई ये गड़बड़ होगी भाई, पीकू खुला हुआ है। रोगी नो 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 रोगी नो 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 रोगी नो नो रोगी नो। गाइस आज देखा होगा पहली बार भागता हुआ रोगी तुमने, रोगी नो कम ऑन रोगी कम ऑन जैसा पहली बार हुआ कि रोगी को मेरे बिना कोई घुमाने के लिए बाहर लेकर गया, और भाई पिकू ना उधर की साइड ही कर दिया। और ये देख लिया होगा तुमने कि कितना तगड़े वाला एग्रेशन हो गया था एक दूसरे के बीच में, और अगर किसी दिन आमना सामना हो गया ना तो भाई तुम सोच सको क्या होता। अब तक मैं रोगी की ये तारीफ कर रहा था कि रोगी भोंकते नहीं किसी को, बट भाई तुमने देख लिया होगा पिकू की तरफ वो कैसे पागल होकर भोंक रहा था। गाय भी पिकू के पास आ गया, और पिकू ना मेरे से भी गुस्सा हो रहा होगा। नो 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 गाय अपने कहेंगे कंप्यूटर का जन्मदिन है, अभी चलते हैं केक काटने के लिए। गाइस जन्मदिन तो बन गया, बट भाई मेरे को ऐसा लग रहा कि आना भूत आ रहे, क्योंकि मेरे को फील हो रहा कि उधर की साइड ना जो झूले बुल्ले है ना वे अपने आप ऑटोमेटिक ले लग रहे, ऐसा लग रहा। और गाइस अभी ना एक चीज करने वाले हैं, केक ना अभी भाई शमशान घाट के अंदर जाके काटने वाले हैं, तब देखते हैं भाई क्या रिएक्शन होगा वहाँ। गाइस अभी भगवान का नाम ले फटे हुए दूध का पानी निकाल के रख दिया इसे।